वेलकम बैक टू माई जोन एमी जोन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक है और आप सब इस ठंड का, इस भयंकर ठंड का बहुत ज्यादा मजा ले रहे हैं, बिल्कुल मेरी तरह। आप लोग देख भी रहे होंगे मेरे चैनल पे, मैं बिल्कुल हाइबरनेट हो चुकी हूँ। जी हाँ, बहुत ज्यादा ठंड हो गई है, मतलब यहाँ दिल्ली में भी बहुत ज्यादा ठंड हो गई है और बिल्कुल कुछ भी करने का मन नहीं करता है। मेरी वीडियोज जो है, मतलब यही होता है मेरे साथ हमेशा, मेरी पेस जो है वो छूट जाती है किसी ना किसी रीजन की वजह से। बट अब मैं बैक टू बैक वीडियोज डालना फिर से स्टार्ट करूंगी, व्लॉग्स डालना स्टार्ट करूंगी। तो चलिए अब मैं आप लोगों को इस वीडियो के बारे में बता देती हूँ। टाइटल से तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। जी हाँ, आज की वीडियो जो है ये भी एक रिव्यू वीडियो होने वाली है। और गाइस, इस वाली वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ अगेन उसी सेम ब्रांड के प्रोडक्ट का, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। मतलब आप लोग देख रहे होंगे कि मैं बहुत ज्यादा उस ब्रांड के प्रोडक्ट्स का रिव्यू करती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और जो भी प्रोडक्ट मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मुझे उसका डिफरेंस पता चलता है अपने चेहरे पे या फिर अपनी स्किन पे, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करना जरूरी समझती हूँ। आप लोग मुझे नहीं पता रिव्यूज देखते भी हैं कि नहीं देखते हैं, बट गाइस मेरी तो ड्यूटी है आप लोगों को रिव्यू देना। और आज भी मैं उसी तरह से एक रिव्यू लेकर आई हूँ एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट का, और जिस ब्रांड की मैं बात कर रही हूँ जो कि मेरा फेवरेट है, वो ब्रांड है प्लम ब्यूटी। आप लोगों को देखा होगा बहुत सारे मैं इसके प्रोडक्ट्स का रिव्यू करती हूँ। आजकल बहुत ज्यादा न्यू लॉन्चेस कर रहा है प्लम, स्पेशली स्किन केयर में। तो आज का जो प्रोडक्ट जिसके बारे में बात करने वाली हूँ वो भी एक स्किन केयर प्रोडक्ट है, और वो है फेस वॉश। प्लम ने अभी रिसेंटली अपना लॉन्च किया हुआ एक फोम फेस वॉश, और इसका नाम है प्लम सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश। देख सकते हैं आप लोग कितनी ज्यादा इसकी अमेजिंग प्लास्टिक पैकेजिंग है इस तरह से, एंड इसमें अगेन हम लोग को पंप मिलता है। बहुत सारे आजकल मार्केट में इस तरह के फोम फेस वॉशेस चल रहे हैं, इससे पहले भी मैंने एक ट्राई किया हुआ है, बट प्लम ने भी अपना निकाल ही दिया फाइनली, एंड अब ये मेरे हाथ में है और इसे मैं ट्राई भी कर चुकी हूँ। पहले पैकेजिंग तो आप देख सकते हैं इसकी इस तरह की है, ये पूरी प्लास्टिक बॉटल है, एंड काफी अच्छी क्वांटिटी भी मिल जाती है हम लोग को इस बॉटल। अभी मैंने रिसेंटली ये वाला फेस वॉश ऐड किया हुआ है अपने स्किन केयर रूटीन में, एंड ये वाला फेस वॉश जो है ये क्यों यूनिक है और बाकी वालों के कंपैरिजन में क्यों अच्छा है ये वाला फेस वॉश। तो जैसे कि इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश, तो सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो इस फेस वॉश का है और जो इस फेस वॉश की खासियत है वो है इसका जो 1% एनकैप्सुलेटेड सैलिसिलिक एसिड। अब जो सैलिसिलिक एसिड है गाइस, हमारे फेस में जितना भी एक्ने, जितना भी ऑयल वगैरह या फिर बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है, पोल्यूशन की वजह से हम लोग के जो पोर्स होते हैं इसकी वजह से ब्लैक हेड्स होते हैं, व्हाइट हेड्स होते हैं, उन सबको हटाने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ इस फेस वॉश में जो मेन इंग्रेडिएंट है दूसरा, वो है 0.2% ग्लाइकोलिक एसिड। तो ये ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ये सब जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये उसी सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, उसके अगेंस्ट वर्क करते हैं। और ट्रस्ट में गाइस, ये वाला चीज जो है मैंने डिफरेंस नोटिस किया अपनी स्किन में, तभी जाके मैं आप लोगों के साथ इस फेस वॉश का रिव्यू शेयर कर रही हूँ। और इसके साथ साथ इसमें हम लोग को 5-fruit AHAs मिलते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स मिलते हैं, जो कि अगेन हमारी स्किन पे, हमारे फेस पे बहुत ज्यादा अच्छे से वर्क करते हैं ये इंग्रेडिएंट्स। इन सबकी प्रॉपर्टीज जो है मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, तो जरूर पढ़ लेना इन सबको। अब मैं आप लोग को बता देती हूँ कि गाइस ये वाला फेस वॉश जो है इसका MRP है 3-5 rupees, बट अगेन कूपन कोड तो मैं हमेशा आप लोग के सामने लेकर आती हूँ, तो आप लोग स्क्रीन पे जो कूपन कोड मैंने मेंशन किया उसे यूज कर सकते हैं, इसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स आप लोग को मिल जाएंगे। और एक और चीज मैं बता देती हूँ कि ये सभी स्किन टाइप्स के लिए, जी हाँ, जिनकी बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव स्किन है, जिनका उनका मैं कुछ नहीं बोल सकती, वो ट्राई कर सकते हैं इसे एक बार, बट बाकी अदरवाइज सभी टाइप की स्किन के लिए है। और मेरी जैसे कि बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है और अभी इतनी ज्यादा ठंड हो रही है दिल्ली में, और तभी भी मैं ये वाला फेस वॉश यूज कर रही हूँ। इसमें जो ग्लाइकोलिक एसिड है गाइज, वो हमारी स्किन में हाइड्रेशन ऐड करता है, तो जिस वजह से ये अभी मेरी स्किन पे अच्छे से जा रहा है। और मॉइस्चराइज तो करना ही होता है सर्दियों में, चाहे ऑयली स्किन हो चाहे ड्राई हो, तो इसके बाद अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा लो स्किन पे और एकदम आपका 2-step स्किन केयर रूटीन हो जाएगा। तो अब जल्दी से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि अंदर से किस तरह का, मतलब इसका टेक्सचर वगैरह है, फोमी टेक्सचर ऑब्वियसली, ये देख सकते हैं आप लोग, ये फोम है पूरा, और काफी ज्यादा इसमें हम लोग को क्वांटिटी मिलती है। बहुत अच्छी खुशबू है इसकी, बहुत ही ज्यादा, बिल्कुल धोने के बाद ड्राई आउट नहीं करता ये फेस को, तो आप लोग इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। और गाइज इसकी फ्रेग्रेंस जो है अगेन बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, इसमें बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस आ रही है, कौन से फ्रूट्स इसमें हैं, बट बहुत ही अच्छी सी, डिसेंट सी, कोई भी हार्श फ्रेग्रेंस नहीं है इस फेस वॉश की। तो गाइज ये सब था इस प्लम के फेस वॉश के बारे में। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। मुझे ना अभी पीछे कुछ टाइम से बहुत ज्यादा बम्प्स हो रहे थे फेस पे, छोटे छोटे दाने जो होते हैं, ये पोल्यूशन की वजह से, मतलब मैं ऑफिस जाती हूँ, गुड़गांव जाती हूँ, वहाँ पे बहुत पोल्यूशन होता है, पूरा ट्रैवल करती हूँ, तो बहुत ज्यादा मेरे को ना यहाँ पर रिसेंटली वो होने लग गए थे बम्प्स जो होते हैं ना छोटे छोटे। और मैं जो पहले फेस वॉश वगैरह यूज कर रही थी, जो स्किन केयर कर रही थी, तो उससे मुझे इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। और इसे जब मेरे को
रिसीव हुआ ये, तो मैंने सोचा इसे चलो ट्राई करते हैं, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड है दिखते हैं और ट्रायल भी हो जाएगा, तो मैंने आप लोगों के साथ रिव्यू भी शेयर करना ही था वैसे भी। तो इसे जब मैंने यूज़ किया ना, तो मुझे सच बता रही हूँ आप लोग को, मुझे 3 दिन के बाद में अपने मेरे जो बम्प्स थे फेस में लिटरली मुझे कम दिखने लगे और मुझे डिफरेंस पता चला। और मुझे सच में उसके बारे में जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि इसी वजह से मेरे जो फेस है वो थोड़ा क्लियर होने लगा। और अभी भी आप लोग मेरी स्किन देख सकते हो, इस टाइम मेरी स्किन पे बिल्कुल बम्प्स नहीं है, मतलब हल्के से फोरहेड पे हैं, बट मुझे लगता है कि इसे मैं और ज़्यादा यूज़ करूँगी तो ये वाले भी हट जाएंगे। तो ये मैंने अपनी स्किन पे सच में फ़र्क देखा। अब मुझे ऐसा क्यों लगा कि इसी प्रोडक्ट से मेरे जो बम्प्स थे फेस पे वो कम हुए हैं, क्योंकि इसके पहले जो मैं स्किन केयर रूटीन यूज़ करती थी उसमें बस मैं फेस वॉश जो है वो डिफरेंट यूज़ करती थी, बाकी का स्किन केयर रूटीन मेरा पूरा सेम था। तो बस अब मैंने फेस वॉश जो था वो चेंज किया और इससे रिप्लेस किया, तो उसके बाद मुझे अपनी स्किन पे डिफरेंस दिखा, तब जाके मुझे पता चला है कि इस वाले प्रोडक्ट का कमाल था ये और मेरी स्किन जिससे अच्छी हो गई। तो इसी वजह से आप लोगों को भी मैं ज़रूर बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग इस वाले प्रोडक्ट को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, इस वाले फेस वॉश को जरूर ट्राई करें आप लोग, और आप लोग को डिस्काउंट भी मिल जाएगा, प्लम की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, नायका वगैरह सब जगह ये फेस वॉश आपको मिल जाएगा। तो प्लीज 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 मेक श्योर आप लोग इस फेस वॉश को ट्राई करें। अगर आप लोगों को भी एक्ने होते हैं, बहुत ज्यादा आपकी ऑयली स्किन है, बहुत ज्यादा आप लोगों को भी पॉल्यूशन का सामना करना पड़ता है डे टू डे, तो ये वाला फेस वॉश जो है जरूर ट्राई करें। अब इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोलूंगी आप लोग को, तो डेफिनेटली चेक आउट दिस प्रोडक्ट। एंड बस इतना ही था आज का ये रिव्यू, आई होप आप लोगों के लिए यूज रहेगा, आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करना मत भूलना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियोस डालने वाली हूँ मैं, तो स्टे ट्यून्ड एंड मिलती हूँ फिर मैं जल्दी आप लोग से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।